बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्र की रौनक दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मंदिरों पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मां के दर्शन और पूजा पाठ के साथ मनोकामना पूरी करने के लिए मां से प्रार्थना कर रहे हैं। आज नवरात्र का पांचवा दिन है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आज स्कंद माता की पूजा का दिन है। आपको बता दें, मां स्कंद माता को सुख शांति की देवी माना गया है। कहा जाता है कि स्कंद माता का पूजा से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्रद्धालु को मृत्यु लोक में परम शांति का अनुभव होता है। माता की कृपा से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, स्कंद माता की पूजा से इसे दूर किया जा सकता है। बृहस्पति ग्रह मजबूत होने से शिक्षा, उच्च पद और मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो आपको बता देते हैं, नवरात्र का आज पांचवा दिन है। मां स्कंद माता का दिन है। आज बृहस्पति ग्रह मजबूत होने के लिए स्कंद माता की पूजा की जाती है और स्कंद माता इस पूजा से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि बिलासपुर से स्कंद मौर्य हमारे साथ, उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो माता के दर्शन आपको करवा देते हैं। उमेश जी, क्या नजारा है उस वक्त, क्या देख पा रहे हैं आप अभी? प्रज्ञा, देखिए आज शारदीय नवरात्रि का पांचवा दिन है और पांचवें दिन जो मंदिरों में है वो भक्त पहुंच रहे हैं और मां स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस वक्त मैं बिलासपुर के श्याम खाटू बाबा स्थित मंदिर में जो मां स्कंद माता की देवी हैं उन वहां पर मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं कि COVID-19 की वजह से जो स्थितियाँ बनी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो श्रद्धालु भी बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मां स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मनोकामना कर रहे हैं। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, सुख समृद्धि घर आती है। यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचते हैं। चूंकि कोरोना COVID-19 की वजह से स्थितियां थोड़ी सी ऐसी नहीं दिखाई दे रही हैं और जो मंदिरों में पहले भीड़ हुआ करती थी वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो माता के प्रति जो श्रद्धा है वो अपार है। यही वजह है कि इतने COVID-19 और जो संक्रमण के बीच भी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि आज के दिन पूजा अर्चना करने से किस तरह की मान्यता है, क्या कुछ फल की प्राप्ति होती है श्रद्धालुओं को? हाँ, उमेश जी, भगवती की कृपा रहती है। आज पंचमी का दिन विशेष माना जाता है, तो भगवती के दर्शन श्रद्धा से अच्छे से दर्शन किए जाए तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। और पंचमी स्कंद माता का है तो इसलिए धूमधाम से भी मनाया जाता है यहाँ, और श्रृंगार भी विशेष होते हैं, महापूजा भी होती है, सहस्त्र अर्चन भी होते हैं और फलाहारी भोग भी लगता है। और कोरोना वायरस की वजह से हर चीज़ों का ध्यान रखते हुए, हर चीज़ों को यानी कि डिस्टेंस का भी पालन करते हुए इन सब चीज़ों को मनाया जा रहा है। अच्छे से भी मनाया जा रहा है और सावधानी से भी मनाया जा रहा है। माता की पूजा बड़ी सावधानी से की जा रही है, श्रद्धालु भी हैं। आप लोग कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं इस बार? यहाँ ना अगरबत्ती जलाई जा रही है, ना प्रसाद चढ़ाने दिया जा रहा है, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। यहाँ हमारे लिए पूरे सर्कल बना के रखे हैं जिससे हमारा सोशल डिस्टेंसिंग रहे, बचाव रहे हमारा, पूरी सुरक्षा की जा रही है मंदिरों में कोरोना वायरस की वजह से। मेरी यही कामना है कि कोरोना वायरस जल्दी जल्दी चला जाए, माता से यही प्रार्थना है। पूरे देश में आज पंचमी की धूम है और सभी श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये मां स्कंद माता की प्रतिमा है और यहाँ पर मां विराजमान है। लाल चुनरी में उन्हें जो है श्रृंगार किया गया है और माता के दर्शन करने जो श्रद्धालु वो पहुंच रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यही वजह है कि कोविड को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु एक एक करके ही मंदिर में प्रवेश करते हैं और यहां तमाम व्यवस्था मंदिर प्रबंधन की ओर से की गई है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से जो सुख समृद्धि है वो घर आते हैं, मोक्ष के द्वार खुलते हैं और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं इन्हीं कामनाओं के साथ वो कोविड जैसी जो भयावह संक्रमण जो
पूरे देश में फैला है उसे हटने और उसे निजात दिलाने के लिए माँ स्कंद माता से प्रार्थना भी कर रहे हैं। जी प्रज्ञा, चलिए तो उमेश जी धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तब तक अगली